बस गलत प्रकार के माहौल में होने से अशुभ चीजें आप पर असर डाल सकती हैं। जीवन में हमेशा सही जगह पर पहुंचना एक कौशल है, इसे किस्मत न समझें। आध्यात्मिक परंपराओं में हर आध्यात्मिक परंपरा में हमेशा संघ, संगत या सही तरह की संगति में रहना हमेशा विकास का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, क्योंकि कम ही मनुष्य होते हैं, बस एक छोटा सा प्रतिशत, जो चाहे कहीं भी हो फिर भी वे अपने मार्ग पर बने रहेंगे। बाकी सभी को मदद की जरूरत है। If they are not in the right company, there's very little chance of them doing the right things. अगर वे सही कंपनी में नहीं होंगे तो उनके सही काम करने की संभावना बहुत कम है। दुर्भाग्य से यही सच्चाई है। जरूरी नहीं है कि ये दुर्भाग्य हो, क्योंकि इसका मतलब ये है कि उन पर असर डाला जा सकता है। ये समाज की जिम्मेदारी है कि हर व्यक्ति के लिए और सभी के लिए जो सुंदर है उस दिशा में जाने के लिए सही माहौल तैयार किया जाए। पर शायद ही कभी समाज ने इस जिम्मेदारी को सही मायनों में निभाया है। क्योंकि समाज को दिशा नहीं दी जाती, समाज में बदलाव आने दिया जाता है। जैसा असर होता है डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द इन्फ्लुएंस इन दैट डायरेक्शन इट ग्रोस, समाज उसी दिशा में जाता है। पता नहीं, मैं विश्वास नहीं करना चाहता, पर मुझे बताया गया है कि इंटरनेट पर 80% से ज्यादा अश्लीलता है। मैं विश्वास नहीं करना चाहता कि यह संभव है, पर जानकार लोग मुझसे कह रहे हैं, सद्गुरु, ये सच है। ये एक बीमार दुनिया है। 80% यानी दुनिया बीमार है, ना कि स्वस्थ। तो सही तरह के असर में रहना, ऐसा असर जो आपको पोषित करे, आपको परम सत्य की ओर ले जाए, ऐसा प्रभाव जो आपको सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलने का साहस और शक्ति दे। ईमानदारी कमजोर होगी तो कोई भी इंसान कभी आध्यात्मिक नहीं हो पाएगा, और ये समझिए कि बुरी चीजें आप तक तब भी पहुंच सकती हैं जब निशान आप न हो। बस गलत माहौल में होने से भी अशुभ चीजें आप पर असर डाल सकती हैं। इससे याद आया, दो आतंकवादी प्रिपेयरिंग
envelope bombs, postal bombs. लिफाफा बम तैयार कर रहे थे। काफी बम बनाने के बाद एक ने दूसरे से पूछा, क्या तुमने काफी भरा है? तुम्हें लगता है कि हमने लिफाफों में काफी RDX भर दिया है? दूसरे ने कहा, तुम खोल कर देख लो। वो बोला, अरे मैंने इसे खोला तो ये फट जाएगा। दूसरा बोला, बेवकूफ, इस पर तुम्हारा एड्रेस नहीं है। जरूरी नहीं कि एड्रेस आपका हो, गलत डिब्बा खोल दिया तो ये वहीं फट जाएगा। दुनिया में ऐसा ही है, आपके अंदर भी ऐसा ही होता है। आपके सिर में कई डिब्बे हैं, गलत डिब्बा खोला तो कीड़े निकलेंगे, सही डिब्बा खोला तो उसमें से सुगंध निकलेगी। क्या आपने ये देखा है? आपने अपने अंदर ये देखा है? मन के एक हिस्से को खोलने से गंदगी निकलती है, मन का दूसरा हिस्सा खोलने से सुगंध निकलेगी। क्या आपने ये नहीं देखा? पर्याप्त जागरूकता और सही संगति में होना ताकि गंदगी न फैले, ताकि आप अपने अंदर की सुगंध को खोल सकें, गंदगी नहीं। ये आध्यात्मिक विकास का जरूरी हिस्सा है, क्योंकि गंदगी के लिए गटर तलाशना जरूरी नहीं होता। आपके दिमाग में काफी गंदगी है ना? बात यही है कि हर जगह काफी गंदगी है। आश्रम में भी काफी कचरा है, इतने लोग रहते हैं, मुझे यकीन है कि काफी गंदगी है। पर हम यहां अच्छी हवा और सुगंध के बीच बैठते हैं, हम वहां नहीं बैठते जहां गंदगी है। आपके अंदर भी यही सच है, आपके शरीर के भूगोल में गंदगी और सुगंध है। आप अपने और आसपास के लोगों के लिए कौन सा हिस्सा खोलते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। इसके लिए एक स्तर की जागरूकता और संगति जरूरी है, तभी सत्संग किया जाता है। सत्य की संगति, ये बहुत जरूरी है। अगर आप आश्रम में चारों ओर घूमें, पूरे आश्रम में कम से कम 8 या 10 बहुत गंदे टैंक होंगे, उन्हें सेप्टिक टैंक कहते हैं, सेप्टिक से भरे हुए। अगर आप रोज वहां बैठते हैं तो आप जरूर ये निष्कर्ष निकालेंगे कि ईशा योग केंद्र धरती की सबसे गंदी जगह है, आप उसमें गिर जाएं। तो ईशा योग आपके जीवन का सबसे भयानक अनुभव होगा, पर आपसे उसमें गिरने की उम्मीद नहीं की जाती, इसमें गिरने की उम्मीद की जाती है। पर आप भूगोल नहीं समझ पाए, क्योंकि आपका इतिहास गलत है, आपका कर्म ही आपका इतिहास है ना? शंकरन पिल्लई ने फैसला किया कि वो एक डाकू बनेगा, क्योंकि उसका बिजनेस नहीं चल रहा था, कोई उसे नौकरी नहीं दे रहा था, तो उसने फैसला किया कि वो किसी को लूट लेगा। तो उसने एक देसी बंदूक ली। देर रात वो एक रात की दुकान में गया, वहां मौजूद क्लर्क पर बंदूक तान दी और कहा, पैसे दो या तुम भूगोल हो जाओगे। क्लर्क ने कहा, आपका मतलब है इतिहास हो जाओगे, है ना? चुप करो, विषय बदलने की कोशिश मत करो। हम विभिन्न विषयों की बात नहीं कर रहे, विषय एक ही है, वो है आप। पर आप या तो इस गड्ढे में गिर सकते हैं या उसमें, वही आपके जीवन का अनुभव होगा। तो सही जगह पर गिरना एक गुण है, आपको ये विकसित करना होगा, आपको परिपक्व होना होगा
कि सही स्थिति में कैसे रहना है. In a way, satsang means just that, communion with truth, or you are making a building a relationship with truth. Satsang का मतलब बस यही है, सत्य से मिलना, या आप सच्चाई के साथ संबंध बना रहे हैं. अगर आप सत्य की संगति में हैं, तो आप अंदर से खुश होंगे. अगर आप अंदर से खुश हैं, तो स्वाभाविक रूप से सुखद चीजें आपकी ओर आएंगी, और आप भी खुद ही सुखद चीजों की ओर बढ़ेंगे. अगर आप अंदर से खुश नहीं होंगे, तो आप अप्रिय चीजों को आकर्षित करेंगे और वैसी ही चीजों की तरफ बढ़ेंगे. आश्रम में जब मन उदास होता है, तो कहाँ जाकर बैठते हैं? सेप्टिक टैंक में मत जाइए, क्योंकि आपका मूड खराब है. पर आम तौर पर यही आदत होती है. जब आपका मूड खराब होता है, तो आप 5 ऐसे लोग खोजेंगे जो खराब मूड में हैं. जब आपका मूड खराब हो, तब आपको 5 ऐसे लोग ढूंढने चाहिए जो अच्छे मूड में हो, है ना? नहीं, पर ऐसा नहीं होता. जब आप बुरे मूड में होते हैं, तब आप 5 ऐसे लोग ढूंढते हैं जो वैसे ही मूड में हो, है ना? ये ऐसा ही है जैसे उदास होने पर सेप्टिक टैंक में तैरने जाना. ये जीवन चलाने का गलत तरीका है. मैं आपको ऐसा करने से रोक नहीं रहा, बस इसमें आपका फायदा नहीं है. आप बहुत आत्मनिर्भर बन गए हैं. अब आपके जीवन में दुश्मन होना जरूरी नहीं है. ये भयंकर आत्मनिर्भरता है. आध्यात्मिक प्रक्रिया अलग होती है. To keep physiological cleanliness and psychological cleanliness is the first thing. शारीरिक और मानसिक स्वच्छता रखना पहली बात है, वरना आध्यात्म एक लड़ाई होगी. ये वसंत की हवा में चमेली की खुशबू नहीं होगी. नहीं, ये कठिन काम होगा, एक लड़ाई, हमेशा लड़ाई. बहुत से लोग अपने जीवन, विशेष रूप से अपने आध्यात्मिक जीवन को एक युद्ध के रूप में अनुभव करते हैं, क्योंकि वे अपने शरीर के भूगोल और अपने मानसिक स्थान के भूगोल के बारे में मौलिक अनुशासन नहीं रखते. अगर इन दोनों चीजों को मैनेज नहीं किया गया, तो हर चीज लड़ाई होगी. अब आप दावा करते हैं कि आप आध्यात्मिक हैं, तो वो भी एक लड़ाई होगी. जीवन ऐसा ही होगा. तो सत्संग यानी सत्य से मित्रता करना. सत्य आपका मित्र है, असत्य नहीं. आप सच्चाई का जो भी स्तर जानते हैं, वहीं से शुरू करें. परम सत्य से शुरू करना जरूरी नहीं है. आप नहीं कर सकते. आपके हिसाब से जो सत्य है, वहीं से शुरुआत करें. आप सत्य को सच बोलना मानते हैं, तो प्लीज वहीं से शुरू करें. आप उसे आसपास की चीजों के प्रति कोमल होना मानते हैं, तो वहीं से शुरू करें. कहीं से भी शुरू करें. आपके हिसाब से सच्चाई जो भी है, आप वहीं से शुरू करें और रोज एक कदम आगे बढ़ें.